गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई एम अरविंद कुमार फ्रॉम एसकेडी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट टुडे आई एम अपलोडिंग क्लास सिक्स साइंस वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड क्लीनिंग फूड। विद्यार्थियों कल हमने क्लीनिंग ऑफ फूड इज़ नेसेसरी व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस इसके बारे में डिस्कशन दिया, इसके बारे में वार्तालाप की। मेरा मानना है कि आपने ये टॉपिक घर पर पढ़ के देखा होगा। टुडे वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जब हमारे फूड जब मिक्सड हो जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार हम सेपरेट करते हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए ध्यान से आप समझें। इन डे टू डे लाइफ वी सेपरेट ए नंबर ऑफ मिक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल वी वॉश राइस एंड पल्सेज बिफोर कुकिंग एंड रिमूव डस्ट पार्टिकल्स। उदाहरण के लिए जब हम चावलों को दाल को पकाते हैं तो उससे पहले उनसे उसके डस्ट पार्टिकल्स को साफ करते हैं, धोते हैं। फ्लोर इज सीप्ड टू रिमूव ब्राउन। इसी प्रकार आटे को मारने से पहले, मथने से पहले उसे छाना जाता है ताकि उसमें से जो स्ट्रॉ के जो कण हैं वो बाहर निकल जाएँ। टी इज स्ट्रेन टू रिमूव टी लीव्स। इसी प्रकार चाय को पीने से पहले चाय को छाना जाता है कि चाय की ताकि चाय की पत्ती उस चाय में से दूर हो सके। सम अनवांटेड कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर विजिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भोजन में बहुत सारे अनवांटेड जो कंपोनेंट है वो दिखते हैं तो उन्हें हम दूर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्टोन्स मिक्सड इन राइस, जैसे हमारे चावल में थोड़े छोटे पत्थर के टुकड़े मिल गए। वीट और पल्सेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली। अगर दाल और गेहूँ दोनों एक में मिल जाए तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, तो उन्हें हम आसानी से दूर अलग अलग कर सकते हैं। इसके कुछ मेथड होते हैं। आइए सबसे पहले जाने हम सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। पहला मंत्र का होता है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को अलग करके अपने भोजन को साफ करना। दूसरा तरीका होता है हार्वेस्टिंग, उसे छान करके। प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आप जानते हैं कि खेतों से फसलों को काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। नाउअडेज ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। आजकल हार्वेस्टर नामक मशीन इसके लिए प्रयोग की जा रही है। थ्रेसिंग होता है रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। गेहूं से बाली में से गेहूं और भूसे को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो थ्रेसिंग कहलाती है। इट इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इसे तीन तरीके से किया जाता है। बीटिंग स्टॉक फ्रॉम द ग्राउंड, बालियों को जमीन पर रख के पीटना फिर उन्हें अलग अलग करना, या उनके ऊपर बालियों को इकट्ठा करके उन पर जानवरों को चला देना, या मशीन के द्वारा हार्वेस्टर नामक मशीन के द्वारा अलग अलग कर देना। उसके बाद होता है विनोविंग सेपरेटिंग और लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम इट्स मिक्सचर बाय मींस ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। हमारे अनाज में जब भूसे के कण मिल जाते हैं तो हवा में उन्हें फटकारना या हवा में उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ डाल करके जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं बरसाना। बरसा के हम अनाज से भूसे के टुकड़ों को अलग कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को विनोविंग बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर होती है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है हाथ से चुन चुन करके अनवांटेड कंपोनेंट्स को अनाज से दूर करना, जैसे कि पत्थर के टुकड़े हैं या कोई और वस्तु जो हमारे अनाज के टुकड़ों में आके मिल जाती है उन्हें पकाने से पहले हम उन्हें अलग करके ही उसका पकाते हैं। शीविंग छान करके, जब वस्तु में हमारे में ऐसे तत्व मिल जाते हैं जिन्हें हम हाथ से पकड़ के अलग नहीं कर सकते तो उसके लिए हम शीविंग नामक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। वस्तु को छानते हैं, जैसे चावलों में, दाल में, आटे में कोई वस्तु ऐसी है जो अनवांटेड तत्व है जो हमारे खाने योग्य नहीं है तो छान करके हम अपने भोजन को शुद्ध बनाते हैं। इसके बाद में जो प्रक्रिया आती है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। जो हमारे लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो मिक्स हो जाते हैं, इनसॉल्युबल समझते हैं अघुलनशील, तो उन्हें हम कैसे दूर करें। द वाटर विच वी मस्ट क्लीन, जो पानी जिसे प्रयोग करते हैं साफ होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। रिवर्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि नदियाँ हमारे भोजन हमारे जल का मुख्य स्रोत होती हैं। तो वेस्ट मेटीरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज फ्लोज इनटू द रिवर्स एंड देयर वाटर बिकम्स इम्प्योर। तो हमारी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी नदियों में आके मिल जाता है वो हमारे नदियों के पानी को इम्प्योर बना देता है। हैंस दिस वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट मे कंटेन हार्मफुल केमिकल्स। इस प्रकार हमारी नदियों का पानी हमारे पीने के लिए अनफिट हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल मिले हुए हो सकते हैं। द वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड जम्स इज कॉल्ड सेफ वाटर। और जो पानी अशुद्ध पदार्थों से शुद्ध रहता है, दूर रहता है, उसे सेफ वाटर बोलते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज विच आर हैवियर देन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन। और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज जो हमारे पानी में आके मिल जाते हैं और जो हैवियर होते हैं पानी से, उन्हें सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन नामक प्रक्रिया से दूर कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन निथारना, डिकेंटेशन छानना, इस प्रक्रिया से हम इसे दूर कर सकते हैं। इस प्रयोग में दे रखा है, विद्यार्थियों आप इस प्रयोग को ध्यान से समझेंगे और कल मुझे बताएंगे कि आपकी समझ में प्रक्रिया आई या नहीं आई। उसके बाद लोडिंग।
द फाइनल पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन। कभी कभी ऐसा होता है इम्प्योरिटीज के फाइनल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे पानी में जमने में बहुत सारा समय लेते हैं। लोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर मेड हैवियर इन ऑर्डर टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन। इस प्रकार सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा हैवियस्ट पार्टी को नीचे जमाया जाता है। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज बाई एडिंग सम केमिकल्स। और हमारे जमाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें केमिकल मिला करके हमसे तेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलम इज एडेड टू वाटर टू इंक्रीज सेडिमेंटेशन। पानी में एलम नामक एक तत्व मिलाया जाता है ताकि सेडिमेंट उसके जो जमने की प्रक्रिया है वो तेज हो सके। द एलम हेल्प्स द क्ले पार्टिकल्स टू कंबाइन विद ईच अदर। एलम जो होता है वो क्ले पार्टिकल्स को एक दूसरे में जोड़ने में हेल्प करता है और दिस मेक्स देम जो जिससे वो भारी हो जाते हैं उन पानी में नीचे आके जम जाते हैं। सेपरेटिंग सॉल्युबल फ्रॉम सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड्स के द्वारा दूर करना। सॉल्युबल विच कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर सॉल्युबल कंस्टिट्यूट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। फिर सॉलिड जो पूरी तरह पानी में मिले हुए रहते हैं वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज मानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज एट इट हैज सॉल्ट डिजॉल्व इट। उदाहरण के लिए समुद्र के पानी को सीधा सीधा प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें सॉल्ट मिला हुआ रहता है। इसको दूर करने के लिए डन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर इज डन एप्टेन सॉल्ट। इस प्रोसेस के द्वारा हम पानी को उस समुद्री जल से समुद्र को वो नमक को प्राप्त करते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स। सबसे पहले इवापोरेशन। इवापोरेशन के द्वारा हम समुद्र वाले जल से नमक को अलग कर सकते हैं। इवापोरेशन आप समझते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड वेपर बाई हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। किसी जल को गर्म करके उसमें भाप के द्वारा जो पानी ऊपर उड़ जाता है और उसके जो तत्व होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, इसी प्रक्रिया को इवापोरेशन बोलते हैं। विद्यार्थियों आप इस पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, कल के वीडियो में एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप घर पर